यार 1K हो गया, बहुत खुशी हुई। लेकिन गाइस सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि चैनल को मोनेटाइज करना। ये चैलेंज मैं कब पार कर पाऊंगी मुझे खुद नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बुढ़ापा छा जाएगा मोनेटाइज करने के लिए। फिर मैंने सोचा मोनेटाइज कैसे कैसे होता है बोल के, क्योंकि मुझे मोनेटाइज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बस ये था हाँ कि 4000 वॉचिंग आवर्स करना है बोल के, मैंने हो जाएगा, बट आई एम रॉन्ग गाइस। बहुत ही मैंने कैलकुलेशन किया कुछ दिमाग, अभी मैं यही सोच रही थी, ठीक है, जब मैं बोल रही थी ना मैं कुछ सोच रही थी बोल के, अभी मैं यही सोच रही थी और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया कि मोनेटाइज के लिए कैसे और क्या क्या करना पड़ेगा बोल के। और तो गाइस जैसे कि मानो मेरा 560 वॉचिंग आवर्स है और 1 मिनट अगर होगा तो 61 हो जाएगा। और मैं अपना जैसे डालती हूँ अपना वीडियो तो मेरा वो 8 मिनट 9 मिनट कभी 10 मिनट का हो, 10 मिनट का ही मान लो, और वो भी कुछ लोग पूरा देखते होंगे और वो भी देखते भी नहीं होंगे, और कम से कम मेरे 100 लोग देखते होंगे, वो भी पूरा तो नहीं देखते होंगे मुझे पता है, थोड़ा थोड़ा करके देखते होंगे, कट कट करके देखते होंगे। मान लो 3-4 मिनट का देख लिया, उतने से क्या होगा गाइस, क्योंकि अगर 60 मिनट्स किसी ने देखा मेरा वीडियो तभी मेरा 70 से 71 ऐसे होगा, 72 ऐसा बढ़ेगा। और कब होगा गाइस, ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा मेरा पता। अब देखते हैं कैसे होगा यार, वो सब आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो हो सकता है, आप ना चाहो तो खुदा यार। और वॉचिंग आवर्स बढ़ा दो, मेरा चैनल मोनेटाइज करा दो और सब्सक्राइबर बढ़ा दो, बस और क्या चाहिए मुझे, इतना ही चाहिए। एंड अब पैकिंग करते, ज्यादा बात हो गई है ना। सो गाइस मैंने कुछ कपड़े निकाल लिए हैं क्योंकि मैं 2 दिन के ट्रिप में जा रही हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको ब्लॉग में ही पता चलेगा, मैं अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। और मैंने कपड़े निकाल दिए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। और रेडी है और मेरा 3 डेज का ट्रिप है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने कपड़े निकाले हैं, जैसे एक दिन ये, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और थोड़े घर में पहनने के लिए, एंड इसमें मैंने थोड़ा मेकअप का सामान, और यहाँ पे स्किन केयर, थोड़ा मॉइस्चराइजर, और यहाँ पे है मेरा। सो गाइस मैं ये भी लेके जा रही हूँ, परांदा बोलते हैं ना इसको जो बाल में लगाते हैं, अब ये मैं कहाँ लगाऊंगी तो वो आप देखिएगा। इतने सारे मैं ज्वेलरी भी लेके जा रही हूँ, लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी ये नहीं पता, बट लेके जा रही हूँ। और अब इस झोले में पैक करते हैं फटाफट, मुझे फटाफट अब पैकिंग करनी है क्योंकि 8 बजे निकलना है। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ ट्रेन से पहले हमने सोचा था ट्रेन से जाए, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला, तत्काल टिकट भी नहीं मिला, तो अब हम बस में जा रहे हैं। और बस में तो मेरी हालत इतनी खराब होती है, बस में प्रे कर रही हूँ भगवान से प्लीज वॉमिटिंग ना आए यार, और उसके लिए मुझे पन्नी भी इकट्ठा करके लेके जानी है यार। सो प्रे कर रही हूँ कि वॉमिटिंग ना आए बोल के बस। और फटाफट पैकिंग करते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा फिर। सो गाइस माई पैकिंग इज डन, और कितना ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन कम ही है सामान इसमें, ठीक है। आई एम रेडी और अब मैं जाने वाली हूँ। सो मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ, सब तो अपना एयरपोर्ट लुक दिखाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी बस लुक, जो कि मैंने ये नीचे वुलन का पहना है क्योंकि रात को ठंडी होगी बस में, मुझे पक्का पता है। एंड थोड़ा ये शर्ट भी वुलन वाला पहना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी ये पॉलिथीन, जब अगर मैं ट्रेवल करने जाऊँ विदाउट पॉलिथीन तो मैं कभी जिंदगी नहीं जा सकती, क्योंकि गाइस वॉमिटिंग इतनी खतरा होता है, इतना खतरा होता है मुझे वॉमिटिंग, उसके लिए पॉलिथीन बहुत ही मस्ट है मेरे लिए, बहुत ही जरूरी है। तो मैंने 2 पॉलिथीन तो सबसे पहले ले लिया है, यहाँ पे रखूंगी, और यहाँ पे मैंने रखा अपना हेडफोन, पावर बैंक, चार्जर नहीं रखा मैंने, चार्जर रखूंगी अभी मैं, और मेरा बैग भी पैकिंग हो चुका है तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बैग पैकिंग। गाइस ये रहा मेरा बैग, 3 डेज के लिए बैग मेरा, और अभी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ बोल के, इसके बाद जो एक और ब्लॉग आएगा ना तब उसमें आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। सो आज के लिए इतना ही था ब्लॉग, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज आपको दिखने वाली है, सो डोंट स्किप माई ब्लॉग, ओके। सो बाय गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, कॉमेंट
कमेंट 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 करिए। सो बाय गाइस, हैप्पी जर्नी बोल देना मुझे, ठीक है, हैप्पी जर्नी बोल देना गाइस, बाय।